31 कर्मचारी हड़ताल पर जाने के मूड में हैं। इसको लेकर रिम्स का जायजा लिया संवाददाता सत्यवर्त ने। महामारी के दौरान राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती है। उस वक्त के निदेशक रहे डॉक्टर डीके सिंह ने एक विज्ञापन निकाला था जिसमें चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय कर्मचारियों को नियुक्ति देना था, लेकिन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। हम लोग को मतलब 8 मार्च 2019 को विज्ञापन निकाला गया था रिम्स में। हम लोग फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में चयनित हुए हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाता, 6 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हम लोग का टोटल वेरिफिकेशन भी हो गया है सर्टिफिकेट, लेकिन अभी तक हम लोग नियुक्ति पत्र से हम लोग को रोका गया है, अभी तक नहीं मिला है। जो वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, उनसे कोई बातचीत की, क्या कहा उन्होंने? जी सर, उन्होंने कहा कि जाँच कमेटी बैठाए हैं, जाँच चल रही है, फिर बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं ऐसा कुछ। सर, पिछले 6 महीने से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं आप लोग, सभी बड़े पदाधिकारियों से मिल चुके हैं, क्या आश्वासन दिया जा रहा है सिर्फ आप लोग? तो सुनने में आया है कि रद्द कर दिया गया है। सुनने में अगर मान लीजिए विज्ञापन जो बहाली है उसकी उसको रद्द कर दिया जाता है, 6 महीने से नियुक्ति पत्र आप लोग मांग रहे हैं, अगर रद्द हो जाता है तो फिर तो आप लोगों का भविष्य अंधकार में चला जाए। नहीं तो हम लोग बाल बच्चा के लेके परिवार के रिम्स के निदेशक के गेट पर बैठ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो चरताला पर चढ़ के हम लोग कूद के यहीं जान दे देंगे। सर, हम लोग बस नियुक्ति पत्र चाह रहे हैं। हम लोग 6,000-5,000 रुपये देख रहे हैं कितना ऑटो का किराया बढ़ गया, पर पैसा सर कुछ ये नहीं है। कुछ तो सुनवाई होना चाहिए, रिम्स इंस्टीट्यूट इतना बड़ा रांची है पर फिर भी हमें कुछ ये नहीं है, बस वही 6,000 रुपये काम करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। हम लोग कोरोना काल में पूरा एकदम मदद से किए, पूरा एकदम अपना जीव जान लगा के किए सर, कोरोना काल में ड्यूटी, एक बार पॉजिटिव भी हो चुके हैं सर, और कोई इंसेंटिव नहीं मिला। हम लोग को बोला गया था कि 1 मंथ का आप लोग का पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन पेमेंट भी नहीं मिला सर, 1 मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट जो बोलते हैं वो नहीं मिला सर। अब यह कोरोना के वही योद्धा हैं जो कि लगातार संक्रमितों की सेवा करते हैं, क्योंकि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और वैसे में लगातार जो दूर दराज क्षेत्रों से मरीज आते हैं उनकी सेवा में यही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लगे रहते हैं। इन कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। सहयोगी नवल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची।